मारुति 800 भारत के लिए महज एक गाड़ी नहीं थी, यह भारत और उसके मिडिल क्लास के लिए चार पहियों पर चलने वाला वो सपना था जिसने इंडियन कार बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसे वक्त में जब भारत में कार का मतलब था फिएट और एम्बेसडर, मारुति 800 मानो ताजा हवा के झोंके सी आई। अब बात करीब 40 साल पहले की है, जब भारत सरकार के कंपनी मारुति कंपनी लिमिटेड ने जापान के सुजुकी के साथ हाथ मिलाया और देश को मिली मारुति 800। मारुति 800 आने से पहले ही छा गई थी। अप्रैल 1983 में इसकी बुकिंग शुरू हुई और जून आते आते 1,35,000 कारें बुक्ड हो चुकी थी। मारुति 800 की कीमत रखी गई थी 52,500 रुपए। साल खत्म होने से पहले ही 800 की डिलीवरी शुरू की गई। मारुति 800 के पहले 10 ग्राहकों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद अपने हाथों से कार की चाबी सौंपी। पहली चाबी लेने वाले एयर इंडिया के कर्मचारी हरपाल सिंह और उनकी ये तस्वीर हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गई। मारुति की ये छुटकी भारत को भा गई थी। फिर क्या था, हर गुजरते साल में मारुति 800 ने सेल के नए रिकॉर्ड बनाए। इस कार का चाहत का मजा ये था कि 90 के दशक में देश की हर 10 में से 8 कारें मारुति 800 थी, लेकिन नई शताब्दी में मारुति 800 को चुनौती मिलना शुरू हो गई। बाजार में ढेर सारी नई कारें उतर चुकी थी, लेकिन 800 को टक्कर देने वाली मारुति की फैक्ट्री से निकली, नाम था ऑल्टो। ऑल्टो आते ही हिट हो गई और उसके आगे 800 की मांग धीरे धीरे कम होने लगी। देखते देखते ऑल्टो रेस में आगे निकल गई और फिर आई 2014 की 18 जनवरी, जब आखिरी 800 फैक्ट्री से निकली। मारुति 800 का प्रोडक्शन जरूर बंद हो गया, लेकिन अपने 31 साल की सफर में मारुति 800 करीब 27 लाख परिवारों की कार बनी। इसके चाहने वालों के लिए ये उनके ड्रीम कार थी। यही कारण था कि देश की पहली 800 खरीदने वाले हरपाल सिंह जब तक दुनिया में रहे, मारुति 800 ही उनकी कार रही। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।